हम सभी के लिए आज का जो क्षण है, ये अमर शहीद हेमू कलानी जी को याद करने का क्षण है और उनसे प्रेरणा पाने का क्षण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त से हम सबको जो पंच प्रण दिए हैं, अपने इतिहास को याद रखना है, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को याद रखना है, वही गुलामी की सारी बीड़ियों को हमें तोड़ना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि गुलामी की बीड़ियों को तोड़ने के लिए हमें जो प्रेरणा चाहिए वो अमर शहीद हेमू कलानी जी के चरित्र से हमको मिलती है। हेमू कलानी जी को सिंध के भगत सिंह के रूप में जाना जाता है और उनका चरित्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक होनहार छात्र जिन्हें कुश्ती लड़ने की महारत हासिल है, बहुत अच्छे तैराक हैं और एक बड़ी दोस्तों की टोली के साथ हमेशा नेतृत्व का गुण उनमें दिखता है और बिल्कुल बचपन से ही, चूंकि चाचा जी भी कहीं ना कहीं आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो इस आंदोलन से वो जुड़े और बिल्कुल छोटी उम्र में तिरंगा लेकर उस समय जहां अंग्रेज रहते थे उस बस्ती में चले जाते थे और विशेष रूप से जब आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, संपूर्ण स्वराज का नारा दिया, ऐसे समय पूरे देश के युवाओं में अपने देश के प्रति, अपनी आजादी के प्रति एक ऐसी भावना तैयार हुई कि वे सचमुच करने को या मरने को आमदा हो गए। और ऐसे तरुणों में हेमू कलानी जी भी थे। हेमू कलानी जी ये मानते थे, चूंकि युवा थे, 18-19 साल की उम्र थी, ये मानते थे कि गांधी जी का आंदोलन तो अच्छा ही है लेकिन साथ साथ जब तक अंग्रेजों को जड़ से नहीं हिलाएंगे तब तक अंग्रेज हिलेंगे नहीं। इसलिए उनके मन में एक क्रांतिकारी बसता था और उस क्रांतिकारी ने उस समय उनको प्रेरित किया। सबसे पहले कलेक्टर ऑफिस का यूनियन जैक निकालकर वहां तिरंगा लगाने का काम उन्होंने किया और उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को झंझोड़ने के लिए पुलिस स्टेशन पे में बॉम्ब रखने की बात हो या अलग अलग सरकारी महकमे जो थे उनको तहस नहस करने की बात हो, ये सारी चीजें अपने दोस्तों को लेकर एक टोली उन्होंने तैयार की, उसकी अगुवाई वो स्वयं करते थे और उसके माध्यम से उन्होंने उसको करने का प्रयास किया। और हम सब लोग जानते हैं कि जिस समय ये पता चला कि अंग्रेजों की आर्म्स एंड अम्युनिशन की ट्रेन ये जाने वाली है, उन्होंने प्लान बनाया इसको लूटने का, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो सारे शस्त्र है, अस्त्र है, अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे, ये गोलियां भारतीयों के ही सीने में दागी जाएगी। इसलिए उसका प्लान उन्होंने तैयार किया और जिस समय प्लान के मुताबिक
रेलवे की पटरियों को ढीला करने का काम कर रहे थे ताकि ट्रेन डीरेल हो जाए और सारा ये जो असला है, जो शस्त्र अस्त्र है, इसको वे लूट कर ले जाए और अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करे। ऐसे समय वहां पर रेड हुई, अंग्रेजों को पता चला, पुलिस पहुंची, सारे साथी निकल गए, लेकिन हेमू कलानी जी वहां से नहीं निकले, वे पकड़े गए। और इतनी हिम्मत उनमें थी कि कई दिनों तक उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन अपने एक भी साथी का नाम उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा यह सारा मैंने किया है। और उस समय पहले तो उनके ऊपर जब यह सारी कानूनी कार्रवाई हुई तो 10 साल की सजा हुई, लेकिन जब वो अंग्रेजी अफसर के पास वो सारी चीजें गई तो उसने कहा कि ये युवा लड़का इतना खतरनाक है कि ये अगर जिंदा रहा तो आजादी के इतने दीवाने तैयार करेगा और अंग्रेजी हुकूमत को ये पूरे तरीके से तहस नहस करेगा। इसलिए उन्होंने अपने ही स्तर पर उनकी 10 साल की सजा बदलकर उसको फांसी में तब्दील कर दिया। और ऐसा कहते हैं कि उस समय उनको फांसी की सजा देने के बाद पूरे सिंध में और उस समय के अखंड भारत में लोगों में गुस्सा फूटा, युवा रास्ते पर आए, अंग्रेज भी थोड़े हिल गए और अंग्रेजों ने संदेशा भेजना शुरू किया कि अगर ये माफी मांग लेते हैं तो शायद वापिस ये जो फांसी की सजा है इसको हम 10 साल की सजा में बदल सकते हैं। उनकी मां के माध्यम से भी ये संदेश देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो कभी माफी मांगूंगा ही नहीं, उल्टा मैं तो चाहता हूं जल्दी मुझे ये फांसी मिल जाए ताकि दोबारा पैदा हो और जो काम नहीं कर पाया उस काम को मैं पूरा करूं। और जिस समय उनको फांसी हुई और पूछा गया कि अब अंतिम इच्छा क्या है ये बताइए, तो उन्होंने कहा फांसी के तख्ते पर जाते हुए मैं नारे लगाऊंगा, मुझे नारे लगाने से कोई न रोके, और जब मैं नारे लगाऊंगा उस समय जो लोग मेरे साथ खड़े हैं वो भी नारे लगाए और बिना डरे अपने घर वालों से मिले। उनको भी उन्होंने कहा, अपने भाई को भी कहा मेरा काम पूरा करो, और निडरता के साथ वे फांसी के तख्ते पर जब चढ़े तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए ऐसा कहते हैं कि इस युवा ने वो जो जल्लाद आया था उसको कहा अरे भाई तू क्यों डालता है, मैं ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल लेता हूं। ये जो जज्बा था, ये जो ताकत थी, ये जो हिम्मत थी, और ऐसा मानते हैं कि इस बलिदान के बाद जिस प्रकार से युवाओं में और देशवासियों में एक गुस्सा फूटा, उस गुस्से के कारण अंग्रेजों को बैकफुट पर जाना पड़ा और इस प्रकार की कई घटनाओं के कारण अंग्रेजों के ध्यान में आया कि इस देश को गुलामी में नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में जिन लोगों को मील के पत्थर के रूप में देखा जा सकता है उनमें से एक अमर शहीद हेमू कलानी थे।